पॉपकॉर्न भेल बनाने के लिए हमने लिया है एक पैकेट एक्टिव सॉल्टेड पॉपकॉर्न, एक मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज, एक मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर, बारीक कटे हुए पत्ता प्याज, 2 चम्मच बारीक कटे हुए पुदीना के पत्ते, 1/2 चम्मच चाट मसाला, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नींबू का रस, सेव और बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पॉपकॉर्न भेल बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम पॉपकॉर्न्स को तैयार कर लेते हैं। पॉपकॉर्न्स बनाने के लिए हमने लिया है प्रेशर कुकर और इसमें हम डालते हैं एक्टिव पॉपकॉर्न्स। हमने यहाँ पे सॉल्टेड एक्टिव पॉपकॉर्न्स का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो कोई भी फ्लेवर के एक्टिव पॉपकॉर्न्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉल्टेड कॉर्न्स को प्रेशर कुकर में डालने के बाद अब हम ढक्कन को ऊपर से थोड़ा सा ढक देते हैं, जिससे कि कॉर्न्स फूटने के बाद बाहर ना निकल पाए। और इसे हम मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर लगभग 3 से 4 मिनट तक के लिए, जब तक कि पूरे कॉर्न्स हमारे फूट ना जाए, तब तक हम इसे पका लेंगे। 3 मिनट हो गया है, ये देखिए हमारे पॉपकॉर्न्स बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस का फ्लेम बंद करते हैं और इसे हम साइड रख देंगे। और भेल बनाने के लिए चलिए हम मिक्सचर भी बना लेते हैं। तो इसके लिए लिया है हमने गहरा बर्तन और इसमें हम डालते हैं कटे हुए टमाटर और अब इसमें हम डालते हैं कटे हुए प्याज। अब इसमें हम डालते हैं बारीक कटे हुए पत्ता प्याज, जो कि ऑप्शनल है, इसे आप चाहें तो ना भी डालें। और अब इसमें हम डालते हैं बारीक कटे हुए पुदीना के पत्ते, जिससे कि इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। और अब हम सारे मसाले भी डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालते हैं चाट मसाला, इसमें हम स्वाद अनुसार नमक भी डाल देते हैं, क्योंकि हमने सॉल्टेड पॉपकॉर्न का इस्तेमाल किया है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। और अब इसमें हम डालते हैं लाल मिर्च पाउडर। तो हमने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, जो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है और बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और अब इसमें हम सेव डाल देते हैं और लास्ट में इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल देते हैं। और मसालों को हम एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मसाले हमारे बिल्कुल मिक्स हो गए हैं। अब लास्ट में हम डालेंगे इसमें पॉपकॉर्न्स। मैं यहाँ पे पॉपकॉर्न्स थोड़ा सा हाथ से क्रश करके डाल रही हूँ, जिससे खाने में और भी टेस्टी लगेंगे। और यदि आप क्रश करके नहीं डालना चाहते हैं, तो आप पॉपकॉर्न्स ऐसे भी डाल सकते हैं। सभी पॉपकॉर्न्स को डालने के बाद अब हम मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि सारे मसाले पॉपकॉर्न्स के संग कोट हो जाएंगे। इस तरीके से पॉपकॉर्न भेल हमारा सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे आप धनिया की पत्ती से गार्निश करके तुरंत सर्व कीजिए, जिससे कि ये बहुत ही क्रिस्पी लगेंगे। होप यू लाइक दिस रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है, तो मेरे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, इसे आप जरूर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी नई रेसिपीज देखने के लिए आप हर ट्यूजडे और सैटरडे मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं।